Yeah. Listen to that funky guitar. Come on. Two words. Just dance. दोस्तों अभी जो है जियो के आयुषी चार्ज प्लान के बाद से जितने भी सिम कंपनी है इन कंपनी के बीच में होर लग गई है कि जियो यूजर्स को कैसे अपने और अट्रैक्ट किया जाए, लुभाया जाए। तो इसी कड़ी में दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड के सरकारी कंपनी है दोस्तों इंडियन सरकार की BSNL, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है दोस्तों इस क्षेत्र में। तो दोस्तों अभी तक BSNL जो है अपना 3G पे वर्क कर रही थी और इसका इंटरनेट स्पीड तो बिल्कुल धांसू है दोस्तों। मैं जो है अपने से खुद से ट्राई करा हुआ है, मेरा एक भाई के पास BSNL का सिम है तो मैं जो है इसका स्पीड अपने से ट्राई करा हुआ है। 5 से 6 Mbps स्पीड इसकी डाउनलोडिंग है और अपलोडिंग स्पीड है। दोस्तों जहां तक प्राइस का बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहां पे 98 में ही दोस्तों BSNL जो है 1 month का 2 GB पर डे के डेटा से आपको डेटा देती है और काफी फास्ट स्पीड में देती है डेटा। तो दोस्तों मैं BSNL के 4G के बारे में आपको बात कर लूं कि दोस्तों अभी जो है BSNL जो है ऑक्शन में 4G स्पेक्ट्रम का नीलामी में 4G नहीं लिए थे, स्पेक्ट्रम नहीं लिए हुए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों ये 3G को जो है ऑल इंडिया में अपग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे कुछ एक समय के बाद। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी टेलीकॉम से रिलेटेड सारे अपडेट अब तक मैं सबसे पहले पहुंचा पाऊं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSNL जो है अपने सभी सिम जितने भी 3G सिम इसके एक्टिवेट है और 2G सिम एक्टिवेट है। तो 2G को दोस्तों जो है BSNL अब 3G में अपग्रेड करके 4G में अपग्रेड करने का प्लान कर रहा है और वहीं दोस्तों 3G यूजर्स जितने भी है BSNL का तो उसे भी है दोस्तों जो है ये 4G में अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये सभी सर्कल में नहीं किए हैं, ये कुछ एक सर्कल में दोस्तों जो है इसका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है और BSNL जो है अपने 3G नेटवर्क पे ही 4G का जो है सुविधा मुहैया कराने की कोशिश में है ताकि दोस्तों आने वाले समय में BSNL जल्द से जल्द 4G को 4G मार्केट को कैप्चर कर सके और अपने यूजर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स बढ़ा सके। क्योंकि दोस्तों अभी ऑल इंडिया में BSNL का स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन अभी जो है सरकार जो है इंडियन सरकार इसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रही है, 74,000 करोड़ रुपए। तो इससे दोस्तों BSNL को भी अच्छा मार्केट शेयर मिल रहा है और ये जो है मार्केट में वर्क करने में भी इसको काफ़ी मदद मिल रहा है। अपने यूजर्स के ऊपर दोस्तों काफ़ी ध्यान दिए हैं और सस्ते प्लान के साथ ये है मार्केट में तहलका मचाए हुए हैं दोस्तों अभी BSNL। तो आप लोग बिग अपॉर्चुनिटी ये रहेगी दोस्तों कि अभी जियो से यदि जो लोग क्विट करना चाहते हैं या जियो को छोड़ के अदर कंपनी में जाना चाहते हैं तो वो लोग BSNL को ज्वाइन कर सकते हैं। BSNL का 3G एयरटेल जियो का 4G के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आज के मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना और दोस्तों आप किस टेलीकॉम कंपनी का सिम कार्ड यूज कर रहे हैं ये भी कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।